सो बहुत अलग अलग तरीके की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स होती हैं। आप रिमोट जॉब कर सकते हो, आप फ्रीलांस वर्क कर सकते हो, आप एक एमएनसी में काम कर सकते हो, एक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर सकते हो, एक प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप में काम कर सकते हो। सो यहाँ पे ना हम आज चार ऐसे लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज को या फील्ड्स को कंपेयर करने वाले हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट एमएनसीज, जैसे आपकी फैंग कंपनीज हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, सेल्स फोर्स हो गई, इन टाइप की कंपनीज के साथ। देन विल बी कंपेयरिंग आर स्टार्टअप्स, फॉर एग्जाम्पल वी हैव जोमैटो, स्विगी एक्सेट्रा। सो विल बी कंपेयरिंग दैट एंड देन विल बी कंपेयरिंग रिमोट जॉब्स एंड फाइनली विल बी कंपेयरिंग फ्रीलांसिंग विद इट। हम इसमें बात करने वाले कैसे आप ये सारी अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं, क्या क्या स्किल्स आने चाहिए आपको, क्या आप इसमें वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है, कितने आपको पे मिल रही होती है, ये जो आपके सारे क्वेश्चन होते हैं ना बारी बारी हम आंसर कर रहे होंगे। यहाँ पे फॉर रिमोट जॉब्स वी हैव योर फेवरेट हरकीरत भैया, वी हैव हरकीरत, विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट वी हैव दर्शीन हु इज वर्किंग एज एन फ्रीलांस डेटा इंजीनियर। नेक्स्ट वी हैव प्रियांश, प्रियांश वर्कड एट जोमैटो फॉर अराउंड 6 months एंड उसके बाद ही मूव टू अनदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सो ही कैन ऑल्सो टेल अबाउट द वर्क लाइफ बैलेंस, हाउ ही गॉट दैट जॉब, ही गॉट दैट ऑफ कैंपस। सो इन सारी चीजों के बारे में प्रियांश बता रहे होंगे। एंड फाइनली फॉर एमएनसी आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट, आई विल बी टेलिंग यू हाउ आई गॉट दैट जॉब, बट स्किल्स आर रिक्वायर्ड बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑल्सो हु आर मूविंग टू दीज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जिन्होंने रिसेंटली इंटरव्यूज भी दिए हैं, मेरे को बहुत सारे रिक्रूटर्स ने रिसेंटली रीच आउट वगैरह किया है। सो ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, बिल्कुल जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। एंड अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ डिड यू गेट दिस जॉब? सो फॉर मी माइक्रोसॉफ्ट इज माय फर्स्ट जॉब, मेरे को ये ऑफ कैंपस मिली थी, ऑन कैंपस मैंने क्योरफिट क्रैक करी थी, उसके बाद ड्यू टू कोविड कुछ मेरा जो ऑफर था वो डिले वगैरह हुआ था, तो आई स्टार्ट लुकिंग ऑफ कैंपस। फिर एक अपॉर्चुनिटी आई थी माइक्रोसॉफ्ट में, आई गेव 3 इंटरव्यू राउंड्स, पहले मैंने अप्लाई किया था थ्रू रेफरल, रेफरल लेने के बाद अप्लाई करने के बाद मेरे को टेस्ट लिंक आया, टेस्ट दिया मैंने, उसके बाद आई हैड 3 राउंड्स ऑफ कोडिंग इंटरव्यूज, वो क्लियर करने के बाद आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, आई गॉट द जॉब। सो दिस वॉज फॉर मी। इसके अलावा अगर आपको और भी किसी भी इस टाइप की कंपनी के लिए अप्लाई करना है, सो फॉर फ्रेशर्स इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। फॉर मी इट वॉज लाइक उस साल माइक्रोसॉफ्ट कैंपस पे नहीं आई थी किसी भी कॉलेज के लिए, सो दे हैड दिस ऑफ कैंपस ड्राइव टू लाइक गेट टैलेंट बिकॉज कोविड खत्म हो गया था एंड उसके बाद उनको और लाइक टेक टैलेंट चाहिए ही था बिकॉज प्लेसमेंट सीजन में तो अब वो बैठ के ले जा नहीं सकते थे और लोगों को, सो दे डिसाइडेड टू चूज दिस रूट। बट अगर आप एक टीयर टू कॉलेज से हो, टीयर थ्री कॉलेज से हो, आपने ज़्यादा लाइक ये सारी चीज़ें नहीं करी, आपको ऑफ कैंपस का इतना आइडिया नहीं है, गेट अ जॉब। मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी, इसमें यही एक्सप्लेन किया था, इफ यू आर गेटिंग अ 3 लाख जॉब अपॉर्चुनिटी, 2.5 लाख जॉब अपॉर्चुनिटी, ले लो, जस्ट स्टार्ट समवेयर, राइट? ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन, बाकी सब सुन लेते हैं। हाउ डू यू गेट दिस जॉब? सो देयर आर 3 मेजर वेज टू यू नो गेट इनटू प्रमोट जॉब्स, व्हिच इज लाइक द जनरल एरिया ऑफ जॉब्स दैट आई एंड लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स वर्किंग। सो द फर्स्ट वन इज दैट यू, इट्स बेसिकली सूडो फ्रीलांसिंग। बाय सूडो फ्रीलांसिंग आई मीन यू नो इट्स नॉट अ फुल टाइम जॉब, बट एट द सेम टाइम दे आर लॉन्गर टर्म engagements. Iske liye the best thing you can do is get into a talent network. Ab thoda thoda talent networks fir se khulne lag gaye. Top Talent is a famous one, Geekster, Brain Trust, which might be a good one during the bull, kyunki Web3 ka bull aa raha hai. So Web3 incentivized network, that's one. So that you know you don't have the pain of finding a client from the US, wo tumhe dhoke de dete hain. Second is you contribute heavily to a company's open source. Ye rasta thoda ajeeb hai and my only advice here would be, you know, this has suddenly become very popular, but don't contribute to a repository jahan pe you know already bahut log hain. That becomes very, the maintainer there doesn't have the time or you know energy uske baad to look at good candidates. They're like so many people competing. So if you see something like this, that won't lead to a job. So leave a repository jahan pe bahut sare log hain. And the third is either via their jobs page, Twitter DMs, reaching out to the company. This one's a little more ad hoc. So you know, if you throw 10 arrows at the dart, maybe one will land and you'll at least get to talk to the founder of the company, the CTO, the engineering manager, whoever might be interviewing at the moment. And then you reach out via Twitter DM and you know, get a response from him. I've gotten jobs in all 3 ways. I think these are the best high outcome ways to get a job. But there's a prerequisite of having good skills in all of these. Because talent network mein kuch nahi bahut mushkil hai, open source mein contribute kar hi nahi paoge. And you most probably won't get a reach back if you know, your GitHub doesn't reflect that you're a good developer. So yeah, that's how you would get a job. Jab apna pehla job mila tha Upwork ke through as a freelance data engineer. बट अगर बात करें मेरे सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स की तो वो मुझे मिला था वेफेयर, जो एक फर्नीचर कंपनी है यूरोप और यूएस में। ये प्रोजेक्ट मुझे मिला था लिंक्डइन के थ्रू। सो मैं बहुत सारे कंटेंट पोस्ट करता था और किसी ने मुझे रीच आउट किया कि आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं। सो ऐसे ही मुझे फर्स्ट जॉब एज अ रिमोट जॉब कोविड के टाइम पर मिली थी, जिस कंपनी में मैंने 3 से 4 साल के लिए काम किया। सो आई अप्लाइड ऑन एन इंटरनल ओपनिंग एट ज़ोमैटो थ्रू अ रेफरल। So first of all, what are internal openings? These are openings where the company doesn't, you know, put them out publicly on their career page. They just tell their own employees that there is an opening for this type of a role. And if there are friends or, you know, people in the network of the current employees, then these current employees can refer those people. And for Zomato or for some other startups as well, these companies generally prefer either internal openings or they go on to, you know, like big campuses like IITs and NITs. So they do some on-campus hiring as well. Right now, in terms of my overall process, so essentially I just asked my friend for a referring. She referred me, and after that I ended up getting reached out by Zomato on LinkedIn.
So in terms of the interview process, I've had three rounds of interviews followed by a compensation discussion round. In these three rounds, two of them were technical and the third one was an HR round. So for the technical round, for the first one, I was asked problems about data structures, algorithms and competitive programming. And in the second round, I was asked, basics of system design and computer science fundamentals like operating systems, DBMS, computer networks, right? And one thing which was very cool about my interview process was that it happened completely offline. So I had to visit their office in Gurgaon to do this entire interview process. What skills someone should work on this? अब इसमें यार इस जॉब के लिए बेसिकली अगर आपको एक एमएनसी में जॉब चाहिए तो आपसे डीएसए पूछा जाता है. बट इस डीएसए डीएसए इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम. यहाँ पे आपके पूरे बेसिक से अच्छे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं. अगर तीन राउंड्स हो रहे हैं तो मोस्टली दो ढाई राउंड तो आपके आराम से डीएसए के होते ही हैं. थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है. अब एलएलडी वगैरह भी पूछा जाता है बट पहले मोस्टली तीनों राउंड डीएसए के होते थे. फॉर मी ऑल द थ्री राउंड्स वर डीएसए. जब मैंने ऑन कैंपस भी बैठा था मेरे सारे जितने भी राउंड्स हुए थे जितनी भी कंपनीज में मैं बैठा था सब में डीएसए के ही होते थे. एंड बीच में थोड़ा बहुत आपसे रेज्यूमे रिलेटेड ओएसजीबे में सूप्स रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं. बट अर्लियर इट वॉज 80-90% डीएसए. नाउ इट इज लाइक श्रंक डाउन टू 60-70% डीएसए. स्टिल पीपल आर आस्किंग यू एलएलडी. इसके अलावा ऊप्स के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं. थोड़ा बहुत डेवलपमेंट सेंट्रिक भी हो गया है. व्हाट स्किल्स डू समवन डज समवन नीड फॉर दिस? इट्स वेरी नीश डिपेंडेंट व्हाट काइंड ऑफ कंपनी यू आर अप्लाइंग फॉर. इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ वेब 3 कंपनी, then 31 knowledge of Web3 is good. If you're applying for a Web3 company in a specific, on a specific blockchain or in a specific protocol, those protocol knowledge only CA. If you're applying in an AI company, I haven't done this, but like I would guess the answer there is, either you go down the standard route of doing a master's or you are very good at DBT APIs, agent libraries, because that's what a lot of startups today use. A normal full stack company, you just need to be really good at whatever the stack of that company is, which, could be Mern, could be Rust, could be Golang, depending on the company's choice. Mern is sort of popular in companies because a lot of these companies are startups and startups are very easy to bootstrap in the Mern stack because easy hota. अगर आप फ्रीलांस डेटा इंजीनियर और जस्ट डेटा इंजीनियर बनने का सोच रहे हो तो बेसिक स्किल सेट है कि आपको पाइथन एसक्यूएल आना चाहिए. ये बेसिक्स होते हैं. उसके बाद आपको डेटा वेयरहाउस के बारे में जानना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे हमारा डेटा एनालाइज होता है. थोड़े बहुत डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क्स होते हैं सच एज अपाचे स्पार्क काफ्का जो बिग डेटा प्रोसेस करने के लिए यूज होते हैं. और एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म आना इंपॉर्टेंट है. AWS, GCP और Azure, तीनों में से आप एक आप चूज़ कर सकते हो. मैं यूजुअली वर्क करता हूँ AWS के ऊपर. बट आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके कंपनी गोल्स के हिसाब से आप एक क्लाउड प्लेटफॉर्म चूज़ कर सकते हो और आगे जा सकते हो. सो इन टर्म्स ऑफ द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू जॉइन अ स्टार्टअप, लाइक यू नो देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टार्टअप्स. सम स्टार्टअप्स आर दोज व्हिच आर जस्ट स्टार्टिंग आउट राइट नाउ एंड सम स्टार्टअप्स आर प्रीटी एस्टैब्लिश्ड लाइक Zomato इटसेल्फ, राइट? Zomato इज नॉट एसेंशियली अ स्टार्टअप एनी लॉन्गर. इट्स अ बिग कंपनी. But the work culture or, the environment is still very startup oriented. So in terms of, startups which are just starting out, they require very, heavy skills on a particular technology. For example, if there is a startup which requires a React developer, they would not really focus on data structures algorithms, but they would focus just on React, right? So for startups which are just starting out, you need hardcore skills on particular technologies. But for startups which are, pretty established, or even for MNCs, they don't really look out for specialists in a particular domain. They look out for generalists. So essentially, they want people who can do any sort of work and who can learn very fast, right? So for big level startups and for MNCs, they generally test your problem solving skills through data structures algorithms, system design, and also competitive programs. नेक्स्ट आता है वर्क लाइफ बैलेंस. वर्क लाइफ बैलेंस यार टोटली डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है, ये आप अपने वर्क लाइफ को कैसे मैनेज करते हो इन बिग एमएनसीज, बिकॉज आपको काम देते जाएंगे. अगर आप काम लेते जाओगे तो यू हैव टू डिसाइड कि यार मेरे को 8 घंटे करना है, 10 घंटे करना है, इस टाइम ड्यूरेशन से इस टाइम ड्यूरेशन करना है. एंड इट्स वेरी फ्लेक्सिबल. अगर आपको रात को काम करना पसंद है तो आप रात को काम कर सकते हो. आपको टास्क कंप्लीट करने तो किसी भी टाइम पे कर सकते हो, बट एक सेट डेडलाइन के अंडर आपको करने होते हैं. सो वर्क लाइफ बैलेंस इज प्रीटी गुड. डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. फॉर माइक्रोसॉफ्ट आई कैन टेल इट्स वेरी गुड. बट फॉर कंपनीज लाइक Amazon का थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस इतना अच्छा नहीं होता. अगर आप बैंकिंग फर्म्स की साइड जाओगे, गोल्डमैन सैक्स, वेल्स फार्गो, विच आर ऑल्सो गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, वहाँ पे यू हैव टू वर्क लाइक 8 to 10 hours एट अ स्ट्रेच मोस्ट ऑफ द डेज. बट काम तो करना पड़ेगा, पैसे किस लिए मिल रहे हैं. हाउ इज द वर्क लाइफ बैलेंस? इट्स वेरी कंपनी डिपेंडेंट. डिपेंड्स ऑन व्हाट स्टेज ऑफ कंपनी यू आर जॉइनिंग. इट्स वेरी अपफ्रंट. तो व्हेनेवर यू आर जॉइनिंग, दे विल टेल यू कि यू नो, दे विल आस्क यू व्हाट्स योर वर्किंग स्टाइल, एंड देन यू नो यू शुड रिस्पोंड विद व्हाटएवर यू थिंक दिस कंपनी नीड्स एट दिस मोमेंट. इफ यू थिंक इनके फाउंडर्स बहुत अग्रेसिव हैं, देन यू शुड रिस्पॉन्ड विद मैं भी बहुत अग्रेसिव हूँ, यू नो मेरे को टाइम जोन से फर्क नहीं पड़ता, मैं आपके साथ रात को काम कर लूँगा. इफ यू थिंक दे आर चिल, देन यू शुड ऑल्सो से यू आर चिल, बिकॉज यू नो दिस इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड. अगर एक कंपनी है जो एक बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ पे बहुत स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस एंड एवरी एम्प्लॉई हैज यू नो देयर वर्किंग आवर्स, नो वन वर्क्स ऑन द वीकेंड्स, देन यू शुडंट सिग्नल टू देम कि तुम बहुत ओवर वर्किंग एम्प्लॉई हो. दैट्स जस्ट गोज अवे फ्रॉम द कल्चर ऑफ द कंपनी. तो यू नो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन वेरी कॉशियसली. जनरली अर्ली एज स्टार्टअप अग्रेसिव, विच मीन्स यू नो more than 40 hours a week, sometimes a lot of times, most of the times working on the weekends, and late stage startup
pay for a chill and, you know, 40 hours and not working on the weekends, things like these. So as a freelancer, work-life balance to काफी chill होता है. Usually आप जितना काम करते हो उतना आपको pay मिलता है. So मैं अपना काम को ऐसे schedule करता था कि मैं दिन में 7-8 घंटा काम करूँ. कभी भी मैं off ले सकता था, but मैं usually जब young था तो early phase में मैं बहुत काम करता था. तो work-life balance तो depend करता है आपके goals के हिसाब से, but as a freelancer आपके हाथ में होता है कि भी आप कभी आपको छुट्टी लेनी है, और आपके प्रोजेक्ट्स के भी डिपेंड करता है कि डेडलाइन कब तक है. तो अगर आप डेडलाइन मीट करते हो तो आप उसके बाद चिल कर सकते हो. ओके, नाउ दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन बिकॉज़ आई वर्क्ड एट ज़ोमैटो फॉर अबाउट 3.5 मंथ्स एंड दैट इज द पॉइंट व्हेन आई रिजाइन्ड फ्रॉम माय पोजीशन एज एन SD1. नाउ वन थिंग दैट आई कैन टेल यू इज दैट वर्क लाइफ बैलेंस वाज डेफिनेटली वन ऑफ द रीजंस व्हिच लेड मी टू रिजाइन. सो दिस इज लाइक अ कॉमन थिंग इन मोस्ट स्टार्टअप्स. लाइक व्हेनेवर यू जॉइन अ स्टार्टअप, it is expected that you start delivering right from day one or right from the very first week itself. Like, I know for a fact that, you know, even in the very first week of my working at Zomato, I was, you know, already, you know, looking at the code, I was already coding. So it was not like that we have 1 or 2 months of onboarding and then the work starts. The work starts either from day one or from the first week itself, okay? So when you're joining a startup, you have to, you know, you have to assume that there is going to be a lot of work and the deadlines are going to be really crunched. But what happens because of this entire scenario is that you also get to learn a lot of stuff. For example, I can tell you about myself that, you know, I am a hardcore competitive programmer. I had no knowledge of development. But when I joined Zomato, within those 3 months itself, I gained such a lot of knowledge about development. And I don't feel, you know, underconfident whenever I have to do development now. So one thing that I can tell you is that you will have to work a lot, but there is going to be a lot of learning involved. So if you're a fresher and you don't really care about work-life balance so much, startups are amazing. अब जो average salary है एक MNC की, that for a fresher is generally 11 to 12 LPA. इतने से ही start होती है. कुछ companies हैं जो थोड़ा ज़्यादा pay करती हैं. For very good, like dream level companies जो हम बोलते हैं, उनका जो first year का total CTC निकल के आता है 20 to 30 lakhs आ रहा होता है. And कुछ super dream होती हैं, वो बहुत limited लोगों को लेके जाते हैं. पूरे इंडिया में से 10-15 लोग ही होंगे वैसे. उनकी category और थोड़ी सी ज़्यादा होती है. They get 35-40 lakhs, 50 lakhs and 1 CR तक चला जाता है. But for average person, अगर आप average salary पूछ रहे होगे, for average product based companies, you will get anywhere around from 10 lakh to 15 lakh for first year. ये आपका bonuses, आपका base salary, इसमें आपका joining bonus, सारी चीजें included होती हैं. ये मैं आपको CTC के terms में बता रहा हूँ. अगर सिर्फ base salary पूछोगे तो it can vary from like 8 lakhs to 15 lakhs, 14 lakhs, anything. Average salaries. So there is average. So most counterparts of yours in these remote jobs are not from India. And so the average salaries are a little bit higher, including your own. But if you had to, you know, compare it from an Indian pool, then probably the average would probably be 80 to 100K. I don't think it will be more than that. It might be less than that. It's probably not more than this. But I talk, most of my friends make this much or more, which is why, you know, I arrived at this number. But, you know, there's probably a circle of people doing remote jobs at 20 lakhs, 30 lakhs or so. I probably am not the best person to answer this. I can give you a range, okay, you know, 40K US dollars, which is 8 for 32. 32 लाख रुपए से लेके, यू नो, अ लॉट ऑफ मनी इज व्हाट द रेंज इज. एवरेज इज वेरी हार्ड फॉर मी टू प्रिडिक्ट. अगर एवरेज सैलरी की बात करें एज अ डेटा इंजीनियर, जॉब के लिए ये होता है अगर आप स्टार्टिंग इनकम होती है 7 लाख जो मैंने स्टार्ट की थी, तो एवरेज सैलरी तो इतनी मिली जाती है. अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप इजिली 15 to 20 lakhs पर एनम कमा सकते हो. एज अ फ्रीलांसर आई यूज टू मेक अराउंड 3 lakhs पर मंथ. सो एज अ फ्रीलांसर कम्प्लीटली डिफरेंट गेम होता है, क्योंकि आप यूरोप, US और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके बेसिस पे आपको पे मिलता है. सो डिपेंडिंग ऑन द यूज केस, सो वो डिपेंड करता है इधर आप जॉब कर रहे हो तो फ्रीलांस कर रहे हो. अगर आप फ्रीलांस कर रहे हो तो आपकी इनकम आपके काम और आपके रेट्स के हिसाब से होती है. तो मेरे टाइम पे तो मैं 3 से 4 लाख कमाता था. नाउ इन टर्म्स ऑफ एवरेज सैलरीज, ऑफ कोर्स आई कैन नॉट डिस्कस द एग्जैक्ट नंबर्स, आई कैन नॉट डिस्कस माय ओन कंपनसेशन, बट व्हाट आई कैन टेल यू इज दैट, यू नो, देयर इज दिस मिथ इन द एंटायर इंडस्ट्री दैट स्टार्टअप्स डोंट पे वेरी वेल, ओनली बिग MNCs लाइक FAANG दे पे वेरी वेल. बट दैट्स नॉट द सिनेरियो. Most startups, you know, who are at a good enough level, especially startups like Zomato, Swiggy, Ola, all of these, they pay really well. Okay, in fact, their base pays are much higher than what you get in, you know, FAANG companies. If you're joining a startup, I can tell you one thing, that you are never going to feel that, you know, your efforts are not being valued and you're not being paid enough, because you will be paid enough. ओपनिंग एंड अपॉर्चुनिटीज यार अभी के टाइम में थोड़ी सी कंपेरेटिवली कम है, स्टिल देर आर लॉट. आप मेरे को क्यूरियस चाहर वाले यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे वील स्टार्ट पोस्टिंग अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज नाउ, सो दैट
यू डोंट मिस आउट ऑन, ठीक है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ भी आ रहा है। हमने रिसेंटली फ्लिपकार्ट रनवे होने वाले, इट इज अ गर्ल ओनली अपॉर्चुनिटी, बट हमने उसके रिलेटेड वीडियो बनाई। ऐसी और भी कुछ अपॉर्चुनिटीज आएंगे तो वहाँ पे वीडियोज बनाते रहेंगे। बाकी ओपनिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, लिंक्डइन पे चेक कर सकते हो, इसके अलावा बहुत सारे और जॉब प्लेटफॉर्म्स भी हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड वीडियोज है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और बाकी सबका सुन लेते हैं। एंड ओपनिंग स्लैश अपॉर्चुनिटीज, दिस इज वेरी साइकिल डिपेंडेंट, विच मीन्स यू नो वेब थ्री का बुला गया तो वेब थ्री में जॉब्स होंगी, एआई का बुला गया तो एआई में जॉब्स होंगी, वेब आर टी सी का बुलाया था कुछ सालों पहले उसमें जॉब्स थी। तो इट्स वेरी डिपेंडेंट ऑन यू नो कहाँ पे बहुत ज़्यादा फंडिंग हो रही है। सो इफ यू रियली जस्ट वांट टू नो कि यू नो व्हाट इज द क्वेश्चन, ओपनिंग्स वहाँ ज़्यादा होंगी जहाँ पे रिसेंटली फंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जहाँ पे वीसीज पैसा बहुत पंप कर रहे हैं, जहाँ वीसीज पैसा पंप कर रहे हैं वहीं पे द फाउंडर हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। सो यू नो यू फॉलो दोस साइकल्स, दैट्स हाउ यू फाइंड कि कितनी ओपनिंग्स हैं जनरली। या इट्स हार्ड टू प्रिडिक्ट, इट्स वेरी यू नो अ लॉट ऑफ टाइम्स द रोल्स यर आरंट डिफाइंड ऑलरेडी, यू कम एंड डिफाइन योर रोल। तो यू नो आई मीन स्टैंडर्ड रोल्स विल बी डिफाइंड, आई गेस विल स्टार्ट बैक एंड फ्रंट एंड, बट यू नो इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम्हें अगर सिर्फ फ्रंट एंड आती है एंड द कंपनी इज लुकिंग फॉर अ बैक एंड इंजीनियर, इफ यू आर अ रियली गुड फ्रंट एंड इंजीनियर दे माइट जस्ट वांट यू। तो दैट्स द हाई लेवल ओपनिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज। नाउ डेटा इंजीनियरिंग एक ऐसा करियर है जो काफ़ी बूमिंग है, क्योंकि इतना डेटा जनरेट हो रहा है दुनिया में और कंपनीज को लोग चाहिए जो ये डेटा मैनेज कर सके। इवन आप अगर बात करो एआई टूल्स की या मशीन लर्निंग, ये सारी फील्ड्स डिपेंडेंट है डेटा इंजीनियर्स पे, क्योंकि इतने सारे डेटा आ रहे हैं उसको प्रोसेस करना और प्रॉपरली फिल्टर करना, और उसके बाद मशीन लर्निंग मॉडल्स अप्लाई होते हैं, एआई मॉडल्स अप्लाई होते हैं, तो उसके बीच में होता है डेटा इंजीनियर। सो तो ये फील्ड इतनी बूमिंग है कि अगर आप इस पर अपना करियर अभी स्टार्ट करते हो तो आपको ईजिली जॉब मिल सकती है। इसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, थोड़ा प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत होती है, बट 6 से 8 महीने अगर आप काम करो तो ईजिली आप इसमें जॉब पा सकते हो। So for openings and opportunities, what I would recommend you is that, you know, first of all, you know, build up your own skills. Like if you're really interested in joining a startup, I would not recommend becoming a generalist, like just doing DSA, just doing competitive programming, but preferably picking up a technology and mastering that technology. Okay, that's the very first thing that I would tell you. Apart from this, you know, it is not just enough today that you build a skill and then you go and publicize it. It is also very important that you go onto LinkedIn, you go onto Twitter and tell the world that, you know, this is what I'm working on, this is what I'm good at. Because when people look at your skills, when people look at your profile, that is the time when, you know, if there is an opportunity, they would be able to refer you. Like, you cannot be an unknown person and go to somebody and say that I want a referral. Nobody is really going to give you a referral, okay, in that case. So build your own, you know, portfolio, publicize it. And also when you go onto the career pages of companies and then you apply, the chances of you getting shortlisted are far lower than, you know, you applying for an internal opening. Because very, very few people know about these internal openings. And when somebody refers their own friend or a person from the network, you know, there is much more credibility involved. This is the way you can get openings, you can apply to these companies. So yeah, thank you so much for watching this video. I hope आपको एक perspective मिल गया होगा कहाँ पे क्या हो रहा है, कितनी salary ranges होती हैं, क्या कितना आपको काम करना होता है, क्या skills चाहिए होते हैं to crack all these companies. And if you found this video insightful, do subscribe to the channel, do like this video, share it with your friends and मिलते हैं ऐसे ही और मस्त videos में. Also, अगर आपको DSA वगैरह करना है, आपको सिस्टम डिजाइन पढ़ना है, लो लेवल डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन सीखना है, डेवलपमेंट सीखनी है, तो डू चेक आउट algoprep.in. वहाँ पे भी है मल्टीपल कोर्सेज. अभी हमारा CS प्रेप का, DSA प्रेप का, एज वेल एज आज हमारा सिस्टम डिजाइन प्रेप का चल रहा है. वी विल बी लॉन्चिंग अ डेव प्रेप वेरी 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 सून. सो आप वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जर्नी फ्रॉम देयर. काफी अमेजिंग कॉन्टेंट आपके लिए प्लान है फॉर नेक्स्ट 1-2 months. एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वन. डू चेक आउट algoprep.in इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जर्नी. टाटा, बाय बाय.